रमेश रघानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन व्यू सच के साथ। आइए देखें आज की हेडलाइंस। नागफणी रोड पर सड़क चौड़ी करने के लिए नगर निगम ने हटाई मजार, क्षेत्रवासियों ने दर्ज किया कड़ा विरोध, मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों ने की समझाइश। ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से किशनगढ़ हाईवे पर टकराई बस, 12 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। अजमेर रेलवे स्टेशन पर मनाया गया पृथ्वी दिवस, डीआरएम पुनीत चावला की मौजूदगी में आयोजित हुई कई प्रतियोगिताएं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को मिली उम्र कैद की सजा, पीसांगन थाना क्षेत्र के इकबाल और उसके एक साथी को भेजा जेल। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने ली बैठक, आगामी 25, 26 और 27 तारीख को आयोजित होगा शहर में फिजियोथेरेपी शिविर। देर रात क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर मिला अज्ञात शव, जय भोले रेस्टोरेंट के पास शाम 4 बजे से पड़ा था शव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव लिया कब्जे में, जांच जारी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।